सुप्रीम कोर्ट के विषय में कहा गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो फैसले आए, भारतीय जनता पार्टी उस पर पुनर्विचार में गई है और आप सब गवाह हैं कि माननीय रविशंकर जी केंद्रीय विधि मंत्री, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितों में फैसला नहीं लेती है तो सरकार सदन में अध्यादेश तक लाए। अन्य प्रांतों में कुछ अगड़ा है तो कुछ दूसरे प्रांतों में पिछड़ा है, कुछ कॉमन है जो पूरे देश भर में पिछड़े समाज में है। तो भारतीय जनता पार्टी वर्ग विभेद समाप्त हो और पिछड़ों को आरक्षण भी मिले, इस सकारात्मक सोच के साथ हमें उन पर चार्जशीट दाखिल किए। उसे भारतीय जनता पार्टी का न कोई दोष है, न कोई मंशा है, न कोई विचार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतना जरूर चाहती है और ऐसे लोगों के खिलाफ हमेशा रहती है जो बिहार के विकास के अहित के लिए काम करता हो, जो बिहार के गरीबों को लूटता हो, जो अपने परिवार की उन्नति के लिए बिहार को बर्बाद करने पर आमदा हो, जो कानून तोड़ने पर आमदा हो और परिवार के लिए ही सिर्फ राजनीति करता हो, परिवार ही परिवार इसके लिए कोई दूसरा नहीं, ऐसे लोगों का विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है। और चार्जशीट अगर दाखिल हुआ है तो निश्चित वैसे लोगों को जरूर चार्जशीट दाखिल होना चाहिए।